अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज एक नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं जो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन कहलाता है, तवारुस और तगैयुर इसे हम कहेंगे। दरअसल पुराने सिलेबस में दो चैप्टर्स अलग अलग थे, एक जेनेटिक बेसिक इनहेरिटेंस और दूसरा क्रोमोसोमल बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस। ये दोनों को मिलाकर ये एक चैप्टर एक साथ यूनिट ये बनाया गया है इस नए सिलेबस के अंदर। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस आपके नीट सीईटी वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कई क्वेश्चंस ये जेनेटिक बेसिस या ये जेनेटिक्स के ऊपर पूछे जाते हैं। इसमें जो पहला पार्ट है वो जेनेटिक बेसिक इनहेरिटेंस का है। उस पहले पार्ट में सबसे पहले जेनेटिक्स किसे कहते हैं, इनहेरिटेंस किसे कहते हैं, तवारुस किसे कहते हैं, जेनेटिक्स यानी नस्लियात किसे कहते हैं, वेरिएशन यानी तगैयुर किसे कहते हैं। इस जेनेटिक्स की जो बुनियाद है, जिस पर जो सबसे पहले इब्तिदा में जिसने काम किया, जिसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल, उस मेंडल का मुख्तसरन इंट्रोडक्शन, क्योंकि पुराने सिलेबस में इसको डिटेल था, अब इसलिए मुख्तसर कि ऑलरेडी ये नीचे की क्लासेस में ये ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए यहां पर इसको मुख्तसर किया गया है, तो उसका मुख्तसर तारुफ। उसके बाद उसने जो प्लांट अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, अपने तजुर्बात के लिए इस्तेमाल किया, पी प्लांट, मटर का पौधा जिसे हम कहते हैं, उस पौधे में मौजूद खसूसियात मुख्तलिफ साथ उसकी जोड़ियां हैं, उसे हमको पढ़ना है। तो मेंडल की कामयाबी क्या वजह थी कि मेंडल इन तमाम तजुर्बात में कामयाब हुआ, और उसने कुछ तवारुसी कानून, विरासती कानून जिसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस के जो लॉज है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस उसे कहते हैं, उसको पेश किया। क्योंकि इल्म हयातियात में, बायोलॉजी में लॉज को पेश करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि बहुत सारा वेरिएशन होता है जानदारों में, जो कैरेक्टर्स होते हैं जानदारों की, जो भी जिस चीज पे रिसर्च किया जाता है उसमें वेरिएशन, तगैयुर, डिफ्रेंशिएट, फर्क बहुत आता रहता है, इसलिए लॉज या कानून का बनना मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ मेंडल ने कुछ कानून को पेश किया, उसे मेंडल के कानून या तवारुसी कानून के तौर पर पहचाना जाता है, जिनमें लॉ ऑफ डोमिनेंस होगा, उसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होगा, अलायदगी का कानून, गाली बाने का कानून, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, आजादाना जमातबंदी का कानून, ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ चीजें जो इनहेरिटेंस से रिलेटेड है, उसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, एक मखलूती इख्तलात या एक सिफती इख्तलात, दो सिफती इख्तलात या दो मखलूती इख्तलात उसे कहा जाता है, उसको भी पढ़ेंगे। बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, जहां से इख्तलात और बैक क्रॉस, ये दो को पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस के बाद उसके दो मुतबादल और कुछ शक्लें हैं, जिसमें एक को डोमिनेंट है, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, गैर मुकम्मल गालिब कहते हैं उसको, इस दो को पढ़ेंगे। उसके बाद और कुछ चीजें इससे रिलेटेड है, मल्टीपल अलेल्स, प्लियोट्रॉपी वगैरह, वो इस इनहेरिटेंस वाले चैप्टर्स में आएंगी, मतलब इस हिस्से में आएंगे, इस चैप्टर में दो हिस्से है। दूसरा हिस्सा जो क्रोमोसोम से रिलेटेड होगा, उसमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, एक्स और वाई क्रोमोसोम में डिफ्रेंशिएट फर्क, लिंकेज किसे कहते हैं, क्रोमोसोम पे कुछ जीन ऐसे होते हैं कि एक साथ जुड़कर उससे आप मुंतकिल करते हैं, उसे हम लिंकेज कहते हैं। तो लिंकेज कैसे होते हैं, एक्स लिंक, एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद जो लिंकेज जीन है वो क्या है, वो किन खुशियात को मुंतकिल करते हैं, उसमें कुछ डिफरेंट डिसऑर्डर्स, कुछ बीमारियां हैं वो, ये सारी चीजें इस चैप्टर में हमको डिटेल पढ़ना होगी। उसके बाद जो सेक्स डिटरमिनेशन है, जिन्सी ताउन है, वो तो मुख्तलिफ जानदारों में, इंसानों में जिन्सी ताउन कैसे होता है, परिंदों में कैसे होता है, इंसेक्ट में कैसे होता है, उसकी तीन टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर उससे रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स लास्ट में, यानी क्रोमोसोम से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स है, वो डिसऑर्डर्स जैसे थैलेसीमिया है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, ये सारे
पॉइंट्स हम इस चैप्टर में कवर करने की कोशिश करेंगे, वन बाय वन इंशाल्लाह इसको हम देखेंगे। शुरू में इसके तारुफ हिस्से में क्रोमोसोम एंड मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोम्स वाला जो पार्ट है इंशाल्लाह, इसका जो दूसरा पार्ट जब शुरू हो जाएगा तो वहां उसको मैं डिटेल आपको समझाऊंगा ताकि वो उस हिस्से में काम आ जाए और वहां आपको याद रहे। यहाँ मैकेनिज्म इनहेरिटेंस से हम शुरू करते हैं कि तवारुस जो है या विरासती खसूसियात जो है, ये विरासती खसूसियात कैसे मुंतकिल होती है, उसका क्या अमल है, यानी ये तवारुसी अमल जिसे हम यहाँ लिखते हैं। क्रोमोसोम वाला पार्ट अपने इंशाल्लाह वहां पर देखेंगे, यानी इस चैप्टर के आधा हिस्सा होने के बाद। तो इनहेरिटेंस में हमको देखना है कि जो खसूसियात एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है, सबसे पहले यहाँ हमको ऑलरेडी हम इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं पहले, ऑलरेडी नोट्स भी आपके पास इसके हैं, इसको रिवाइज करना है क्योंकि ये दोनों मिलकर है, कुछ पार्ट यहाँ पे इसका कम हुआ है, तो आप जो लेक्चर है इसको देखकर आपके पास ऑलरेडी नोट्स है, या फिर जैसे जैसे बीच में मैं इसकी पीडीएफ डालता चला जाऊंगा आप उसको करेक्शन करते चलिए, ठीक है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है उसमें, ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जहां भी हो उसे थोड़ा बहुत आप उसको अपने इस लेक्चर के एतबार से उसको एडजस्ट कर लीजिए। इसमें सबसे पहले हमको देखना होगा कि जेनेटिक्स या इल्म नस्लियात किससे हम कहते हैं। आपको याद रखना है कि हयातियात या बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हेरिडिटी और वेरिएशन का मुतालिया किया जाता है, मतलब ये हुआ कि जेनेटिक्स हम उसे कहेंगे, इल्मे नस्लियात उसे कहेंगे, जहां पर हेरिडिटी के बारे में पढ़ा जा रहा है, हेरिडिटी या इनहेरिटेंस दोनों एक ही मानों में यूज होते हैं, तवारुस विरासत जिसे हम कहते हैं, और दूसरा वेरिएशन किसे कहते हैं। तो पहले हम हेरिडिटी को देखेंगे, हेरिडिटी यानी जेनेटिक्स हम उसे कहेंगे, पर इसकी डिफिनेशन याद रख लीजिए, हयातियात की वो शायद जिसमें हेरिडिटी यानी विरासत और तगैयुर यानी वेरिएशन इन दोनों का मुतालिया किया जाता है, उससे हम जेनेटिक्स कह रहे हैं। फिर हेरिडिटी जो है, हेरिडिटी को हम विरासत कहते हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये इनहेरिटेंस से रिलेटेड है, यानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में खसूसियात का मुंतकिल होना, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में खसूसियात का मुंतकिल होना, या वालिदैन से औलाद में, या और थोड़ा अच्छे लफ्जों में कहा जाए उसको तो मौरूस से मौलूद में, मौरूस वालिदैन और मौलूद उनके औलाद को कहा जाता है, खसूसियात का मुंतकिल होना ये हेरिडिटी कहलाता है। तो ये ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन या पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स ऐसा उससे कहते हैं। तो यहाँ आपको ये याद रखना है कि खसूसियात का एक जनरेशन से एक नस्ल से दूसरे नस्ल में मुंतकिल होना हेरिडिटी या ये इनहेरिटेंस कहलाता है। जैसे हम देखते हैं कि जो मुख्तलिफ जानदार है, मुख्तलिफ जानदारों में जैसे अगर हम आम का बीज बोते हैं तो यकीन वहां पर आम का ही पेड़ उगेगा, जैसे फल आम के लगेंगे, इसे हम इनहेरिटेंस कह रहे हैं। लेकिन दूसरा इसकी जो डेफिनेशन है जिसे हम वेरिएशन कहते हैं, वेरिएशन बहुत आसानी से हमारे समझ में आएगा कि खसूसियात तो मुंतकिल हो रही है, यहां समझ में आ गया, लेकिन जो खसूसियात मुंतकिल होती है वो एज इट इज जेरोक्स कॉपी नहीं होती है, तो उनमें जो उसमें जो थोड़ा सा चेंज है, यानी जिसे हम ये कहेंगे कि एक नू के जानदार, पहले ये समझ लीजिए एक नू के जानदार या एक स्पेसीज के जानदार जो है, ये एक स्पेसीज या एक नू के जानदार जो है, ये एक नू के जानदार हम उन्हें कह रहे हैं जिनमें तमाम खसूसियात एक जैसी हो, ऑल कैरेक्टर्स आर सेम, और उनमें जिनसे हमारे तौलीद कुदरती माहौल में होती हो, दो चीजें चाहिए, एक तमाम खसूसियात एक जैसी होना और दूसरा अमले तौलीद, वो भी जिनसे अमले तौलीद अगर कुदरतन होती हो, आर्टिफिशियल मसनवी नहीं, तो हम उस जानदारों को एक नू कहेंगे, एक स्पीसीज कहेंगे। जैसे इंसान चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में रहता हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, कोई भी जुबान बोलता हो, किसी भी तरह का कोई बिजनेस या कोई अपनी रोजमर्रा की लाइफ को चलाने के लिए कोई कारोबार करता हो या कोई नौकरी करता हो, जो भी करता हो, लेकिन वो सब इंसान कहलाएंगे वैसा, और उनकी एक ही स्पेसिस होगी होमो सेपियंस। उस तरह से मुख्तलिफ जानदार जो हमारे अतराफ में दिखाई देते हैं उनकी सबकी, जैसे मैंगो ट्रीज आम को आप देखोगे तो सबकी एक ही स्पेसिस कहलाएगी जिसका नाम है मैंगीफेरा इंडिका। तो इस तरह से एक ही नू के जानदार कहलाएगी जिसमें तमाम खसूसियात एक जैसी हो,
लेकिन अगर हम देखेंगे इसे इंसानों की मिसाल से बहुत आसानी से समझ में आता है कि इन जानदारों में खुशियात तो एक जैसी होती है लेकिन उनमें चेंज होता है। जैसे इंसानों में अगर हम देखेंगे कि हर 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 इंसान में खुशियात, जैसे उनका दिखना, उनका रहन सहन, उनकी आवाज, आंखों की बनावट, उनकी चेहरे की बनावट, जिससे उनकी हम आसानी से शनाख्त कर सकते हैं। तो वो जो चेंज है, वो जो माइनर छोटा सा जो बदल है, छोटा सा जो उसके अंदर पाया जाने वाला जो फर्क है, वो फर्क वेरिएशन कहलाता है। मतलब ये है कि एक ही रूप के जो जानदार है उनमें पाया जाने वाला फर्क, उसे हम वेरिएशन कहते हैं। तगयुर हम किसे कहेंगे इस चैप्टर में, जो वेरिएशन यानी तगयुर हम किसे कह रहे हैं, तो उसे हम कह रहे हैं तगयुर, उसे कह रहे वेरिएशन, कि एक नू के जानदारों में जो फर्क होता है उसे हम जो है उसे हम कहते हैं वेरिएशन। यानी ये वेरिएशन कैसे आता है, क्या आता है, एक जगह सेल डिवीजन में लास्ट 11th क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि क्रॉसिंग ओवर होता है गैमेट बनते वक्त, नैरो मादा जवाजे बनते वक्त, एक क्रॉसिंग ओवर के दौरान जीन का तबादला होता है और वो वेरिएशन का सबब बनता है। तो खैर ये डिटेल अपने को वहां जाना नहीं है, या सिर्फ आपको याद रखना है कि वेरिएशन मतलब एक नू के जानदारों में पाया जाने वाला फर्क। या दूसरा याद रखने के लिए हम ये कह सकते हैं कि वालिदैन और उनके बच्चों के दरमियान पाया जाने वाला फर्क, या और तीसरा ये कह सकते हैं कि एक ही वालिदैन के जो दो बच्चे होते हैं उनमें जो फर्क होता है उससे हम वेरिएशन कहते हैं। तो यहाँ आपको याद रखना है, पहले हमें जेनेटिक्स किसे कहे, हेरिडिटी और वेरिएशन इसके बारे में मालूम हासिल करना, हेरिडिटी किसे कहे एक नस्ल से दूसरी नस्ल में खुशियात का मुंतकिल होना, वेरिएशन किसे कहे एक ही नू के जानदारों में पाया जाने वाला फर्क, इसे हमने वेरिएशन कहे। तो चलिए ये तीन डेफिनेशन यहाँ आपको याद रखना है, ये इसका इब्तदाई हिस्सा हुआ। फिर ये जो ग्रेगर मेंडल है, ये ग्रेगर मेंडल का आपने आपके पास जो नोट्स है और जो लॉकडाउन से पहले हमने जिससे पढ़े थे तो वहां उसका डिटेल मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ अभी उसका कुछ ज्यादा आपको डिटेल याद रखना नहीं है। आपको सिर्फ याद रखना है ये जो जॉर्ज ग्रेगर मेंडल, इसका इस जेनेटिक्स में बहुत बड़ा ताउन है, बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा काम उसने किया और इसने मुख्तलिफ यानी इसके कानून को पेश किया। जॉर्ज ग्रेगर मेंडल एक फार्मर का बेटा था, एक किसान का बेटा था, जो 1822 22 जुलाई 1822 ऐसी की डेट है, आप ये तुम्हारे नए बुक में उसकी मंथ वगैरह को नहीं दिया गया, डेट भी नहीं दी गई, सिर्फ ईयर्स को दिया गया। तो याद रखिए कि 1822 में मोराविया उसके गांव का नाम है, यहां पर पैदा हुआ, ऑस्ट्रिया का ऑस्ट्रिया मुल्क का एक हिस्सा है, और एक गरीब किसान के घर में पैदा हुआ था। इसकी बहुत काफी डिटेल में मैंने आपको जब लॉकडाउन से पहले पढ़ाया था तो पूरा डिटेल इसके बारे में बताया था, यहाँ सिर्फ इतनी चीज इसकी याद रखी। और दूसरी चीज याद रखना है, इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, इसने क्योंकि इस जेनेटिक्स पर जो कानून पेश किए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, और वो सबसे पहला साइंटिस्ट था, उसने ये बताया था कि कैसी खुशियात मुंतकिल होती है, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में खुशियात का मुंतकिल होना कैसे होता है, और वो भी उसने तजुर्बात के जरिए, मतलब कोई उसने तेरी नजरिए के जरिए नहीं, तजुर्बात किया, तजुर्बात के बाद वो तजुर्बे के जो मुशाहदात थे उस मुशाहदात की बुनियाद पर उसने कुछ कानून को पेश किया, और वो कानून आज भी अगर हम उसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं वो 100% सही साबित होते हैं, इसीलिए उसके उसको उसके जो एक्सपेरिमेंट है उसको कानून कहा गया है। तो चलिए ये फादर ऑफ जेनेटिक्स ये मेंडल, लेकिन इस साइंसदान की उस वक्त मैंने पढ़ा था कि बदकिस्मती ये थी कि वो 1884 में उसका इंतकाल हो गया, और उसके हयात मतलब जब जिंदा था उसके हयात रहते हुए उसके जो कानून है, क्योंकि उसने 1864-65 में अपने कानून को जो है तो पेश किया था और उसके कानून को कोई समझ नहीं पाया, और उसके डेथ के बाद 1900 में पुराने नोट्स में हमने देखे थे कि तीन अलग अलग साइंसदान, एक शेरमार्स कॉरेंस और तीसरा डी वेरिस, ये तीन साइंसदान ने 1900 में, अभी तुम्हारे इसमें सिर्फ एक ही नाम है, इसको एक ही को याद रखिए कॉरेंस, ये इस कॉरेंस ने जो है अब हमको ये कहना है, उसमें तीन साइंसदान के नाम मैंने आपको बताया था, बहुत सारे बुक्स में तीनों के नाम है। 1900 में इस तीन साइंसदानों ने, मतलब आप सिर्फ कॉरेंस कहेंगे, इस कॉरेंस ने जो है इस मेंडल के काम को दोबारा किया, और तब से इस मेंडल के काम को पहचाना जाने लगा, और उसका जो उसके जो कानून है वो कानून मेंडल के तवारुसी कानून के तौर पर पेश हुए, और आज भी उसे अप्लाई किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। उस तरह से मुख्तसरन ये मेंडल के बारे में याद रखिए, आपके पास इसका डिटेल पूरा कुछ लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या था, पी प्लांट पे, मटर के पौधे पे,
और जो टी प्लांट है इसका बॉटनिकल नेम है टीजम सटाइवम। याद रखिए कभी कभी इसको पूछा जाता है कुछ लोग इसको पाइजम सटाइवम कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंशिएट होते हैं। तो ये जो टीजम सटाइवम ये जो पौधा है, इस पौधा यानी जिसे हम मटर का पौधा कह रहे हैं, इस पौधे पर उसने तजुर्बात किए और इस मुख्तलिफ तजुर्बात की बुनियाद पर अपने कानून को पेश किया। इस मटर के पौधे के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं इस पौधे में मौजूद जो खुशियात की जोड़ियां हैं, ये जोड़ियां। तो यहाँ आपको एक चीज याद रखना है, बहुत आसानी से इसके मैं टिप्स आपको दूंगा तो कैसे याद रखना है, आपके पास ऑलरेडी लिखा है तो दोबारा मैं इसको आपके नोट्स के जरिए डाल दूंगा, पीडीएफ के जरिए डाल दूंगा। तो यहाँ याद रखना है कि जो टी प्लांट में जो सात जोड़ियां हैं, इस सात जोड़ियों में एक जोड़ी मुकम्मल गालिब खुसूसियात रखने वाली है जिसको डोमिनेंट कहते हैं, और दूसरी जो जोड़ी है वो मगलूब है। आगे इसके बाद में इसको पढ़ाने वाला हूँ, अब इसलिए नाम याद रखिए दोनों, डोमिनेंस और रेसेसिव, ठीक है। तो यहाँ ये जो टर्म्स है, इस टर्म्स में इस्तेलाहत में ये सारे इस्तेलाहत को मैं पढ़ाऊंगा। यहाँ उसका कैरेक्टर होगा, यहाँ नंबर होगा, सीरियल नंबर, एक ऐसे चार्ट आप बना लीजिए, याद रखना बहुत आसान है। सबसे पहली चीज आपको ये याद रखना है कि अगर एग्जाम में पूछा जाता है, अभी लास्ट ईयर इसको पूछा था, टू पेयर पूछा था, तो दो पेयर या चार पेयर, ज्यादा से ज्यादा दो मार्क्स के लिए चार पेयर या दो पेयर इसकी पूछी जाती है, यानी दो खुशियात की जोड़ियां, तो आपको दो नाम या खुशियात लिखना है और उसकी ये जोड़ियों में। लेकिन आपको ये याद रखना होगा जब आप एग्जाम में लिखोगे तो आपके डोमिनेंस कौन सा और रेसेसिव कौन सा ये लिखना जरूरी है, क्योंकि सवाल ये होता है, सवाल इस तरह का पूछा जाता है कि मटर के पौधे में मौजूद मुतबादिल खुसूसियात की जोड़ियां लिखो, या फिर उसके लिए इंग्लिश में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। जब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर या मुतबादिल ये लफ्ज इस्तेमाल होगा तो आपको डोमिनेंस कौन सा है और रेसेसिव कौन सा है ये वहां पर डिनोट करना, इसे जाहिर करना, ये लिखना लाजमी हो जाता है। अगर आप ये नीट नहीं लिखोगे तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए आपको इस चीज को याद रखना होगा कि डोमिनेंस एंड रेसेसिव इस शक्ल में, इनडायरेक्ट डायरेक्ट इसी शक्ल में आपको लिखना पड़ेगा। अब याद कैसे रखना है पहले, बाद में फिर डिटेल में आपको लिखा दूं, मुख्तसर इसको याद रखने की टिप्स दे रहा हूँ। देखिए इसमें एक कैरेक्टर जो है वो उसके स्टेम से रिलेटेड है, एक कैरेक्टर उसके स्टेम उसके तने से रिलेटेड है। उसके बाद में दो कैरेक्टर यानी यहाँ दो और तीन, यानी ये दो कैरेक्टर एक साथ बता रहा हूँ, ये दो कैरेक्टर जो है उसके वो उसके सीड से रिलेटेड है, उसके बीज से रिलेटेड है। आसानी से याद रख पाएंगे। फिर उसके बाद चार और पांच, ये दो जो कैरेक्टर्स है ये उसकी जो फल्ली जिसको हम पॉड कहते हैं उससे रिलेटेड है, और दो कैरेक्टर जो है ये उसके फ्लावर से रिलेटेड है, उसके फूल से रिलेटेड है, ठीक है। तो बहुत आसानी से अब याद रहेगा, एक स्टेम से रिलेटेड, दो सीड से रिलेटेड, दो पॉड से रिलेटेड, दो फ्लावर से रिलेटेड, यानी एक उसके तने से ताल्लुक रखने वाली खुशियात है, दो खुशियात उसके बीज से ताल्लुक रखने वाली है, दो खुशियात उसकी फल्ली से रखने वाली है ताल्लुक, और एक जो है सॉरी दो खुशियात जो उसके फ्लावर से ताल्लुक रखने वाली है। तो यहाँ याद रखना है आपको स्टेम, पहले कैरेक्टर में हम देखते हैं तो स्टेम में जो है जो दो खुशियात है, इस पौधे में उसका जो तना है एक पौधे की लंबाई ज्यादा होती है, और अगर ये ज्यादा है तो उसको कहा जाता है टॉल, यानी अगर हम उर्दू में से कहेंगे तो तने की लंबाई या पौधे का कद इसे कह सकते हैं टॉल, यानी ऊंचे कद का, और इससे जो है ये कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। अब इसकी मुतबादिल जोड़ी है तो जाहिर सी बात है इसका कद छोटा होगा, जिसे हम डॉर्फ कहते हैं, क्या कहते हैं इसको डॉर्फ, पश्च कद कहेंगे, छोटे कद का कहेंगे, बड़े कद का कहेंगे इसको, इसको छोटे कद का या पश्च कद कहेंगे, और जाहिर सी बात है कैपिटल टी से हमने इसको डिनोट किया तो सिंपल चीज है इसको स्मॉल टी से हम डिनोट करेंगे। इस तरह से ये पहली कैरेक्टर पहला खुशियात हो। नेक्स्ट बीज जो है, बीज दो तरह के खुशियात को कैरी करता है, दो तरह की खुशियात इसमें पाई जाती है, एक इसका शेप यानी इसकी जो है इसकी शक्ल शेप ऑफ सीड, और दूसरा इसका कलर कलर ऑफ सीड, याद रखिए बहुत आसानी से याद रहेगा। अब बीज की जो शक्ल है ये बीज दो शक्लों में है,
एक बीज जो है वो गोल है, राउंडेड है, इसको राउंड लिखेंगे, बहुत सिंपल सी चीज है, कैपिटल आर से हम डिनोट कर रहे हैं इसको। और दूसरा यह है खुरदरा, व्रिंकल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, व्रिंकल, ये स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। उसके बाद कलर ऑफ सीड है, दो तरह के यानी बीज के रंग है, एक बीज का जो रंग है इसमें यानी पहला जो कैरेक्टर है ये है दर्द रंग का बीज होता है, हेलो, इसको जाहिर सी बात है कैपिटल वाई से डिनोट करेंगे। और दूसरा जो होता है ग्रीन, इसको स्मॉल वाई से डिनोट करेंगे, ठीक, याद रखिए। उसके बाद जो पॉड है, ये पॉड या फल्ली, ये फल्ली दो तरह की होगी, यानी इसके जो कैरेक्टर्स है, ये कैरेक्टर्स फल्ली के, उसमें भी इसका शेप होगा और एक उसका कलर होगा, जैसे यहाँ बिल्कुल सेम, इसीलिए इसको मैंने पहले लिख दिया था और आपको याद रखने में बहुत आसान हो जाएगा फिर, यानी पहला शेप ऑफ पॉड, दूसरा कलर ऑफ पॉड, ठीक है। तो शेप के एतबार से यानी एक जो फल्ली होती है इसकी वो इनफ्लैटेड होती है, इसे मोटी कहेंगे, चपटी कहेंगे, फुली भी कहेंगे, फुली भी कहते हैं इसको, इनफ्लैटेड। और दूसरी जो होती है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है, इसको कैपिटल आई से डिनोट करेंगे, इनफ्लैटेड कैपिटल आई से, और इसको स्मॉल आई से करेंगे, ठीक है। जैसे मटर के पौधे में जो फल्ली है इस तरह से, एक इसमें इस तरह से ऐसी फुली होगी और एक जो होगी इस तरह से, ये कंस्ट्रिक्टेड से फुली होगी, दोनों में ये फर्क होगा, ठीक है। तो ये इन्फ्लैटेड और कंस्ट्रिक्टेड, ये दोनों में फर्क है, इसको याद रखिए। उसके बाद में रहा नेक्स्ट उसका कलर, कलर में याद रखना है एक इसमें जो फल्ली का जो कलर है वो फल्ली का कलर ग्रीन होगा, ऐसे बात है ग्रीन है तो इसको कैपिटल बी से डिनोट कीजिए। और दूसरा जो है तो ये दर्द होगा इसका कलर, इसको स्मॉल जी से डिनोट कर दीजिए। उसके बाद में फ्लावर से रिलेटेड दो कैरेक्टर जो है, इसमें इसका कलर कलर ऑफ फ्लावर, और दूसरा इसकी पोजीशन किस मकाम पर है, ठीक है, कलर ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर। तो कलर में एक पौधे में कलर्ड होता है, यानी फ्लावर जो होते कलर्ड होते हैं, और दूसरे में व्हाइट होते हैं। इसमें कलर्ड को कैपिटल सी से बताएंगे और इसको स्मॉल सी से बताएंगे, ठीक है। लेकिन जो कलर्ड है बहुत सारी जगह उसमें उसका कलर भी डिनोट किया, तो आप याद रख लीजिए कलर्ड में पर्पल कलर होगा इसका, जामनी कलर होगा, ठीक है। उसके बाद में पोजीशन जो है, पोजीशन जो फ्लावर जो लगते हैं, ये फ्लावर लगने की पोजीशन एक होती है एक्साइल, ये मैं समझा दूंगा आपको, पहले इसको लिख लीजिए, कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, और दूसरी होती है टर्मिनल, इसको स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो एक्साइल इसको बगली कहते हैं उर्दू में, इसको उफकी कहते हैं, जैसे ये मटर का पौधा है, इसमें ये इसकी ब्रांचेस ये शाखे है, तो अगर यहां से कोई फ्लावर निकल रहे हो, बगल से निकल रहे इसके, ये ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा और ये जो ये शाखे इसके दरम्यान यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये इसको कहा जाता है, यानी यहाँ फ्लावरिंग हो। और अगर ये पौधा पूरा पूरी तरह से इसका नशोनुमा हो चुका और यहाँ पे फ्लावरिंग हो ऊपर के हिस्से में, ये ऊपर है इसको टर्मिनल एंड आखिरी सिरे पर कहेंगे, ये बगल में है इसलिए इसको एक्साइल कहेंगे, इसको बगली कहेंगे, इसको उफकी कहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों में ये कैरेक्टर, तो इस तरह से इसके साथ जोड़ियां जो है ये मुतबादिल खुशियात के आपको याद रखने बहुत आसान है। पहला आप इसको उर्दू में जो बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लेना आपने, ये इस तरह से भी आप एबीसी लिख सकते हैं, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 दे दिया। कैरेक्टर्स में स्टेल तना, डोमिनेंस में टॉल, दराज कर या ऊंचा कद कह सकते हैं, डॉर्फ पस्त कद, शेप ऑफ सीड बीज की शक्ल, राउंड गोल,
व्रिंकल खुरदरा, कलर ऑफ सीड बीज का रंग येलो जर्द ग्रीन सब, शेप ऑफ पॉड फल्ली का फल्ली की शक्ल, इनफ्लेटेड फुली हुई कंस्ट्रिक्टेड सुखड़ी हुई, कलर ऑफ पॉड फल्ली का रंग ग्रीन सब येलो जर्द, कलर ऑफ फ्लावर फूल का रंग कलर्ड रंगीन या पर्पल देख सकते जामनी वाइट सफ़ेद, पोजीशन ऑफ फ्लावर फूल का मकाम एग्जाइल बगली टर्मिनल यानी उफकी। इस तरह से ये सात जोड़ियाँ जो है ये खसूसियात की, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आता है, कभी कभी इसको इसके पेयर्स को कॉन्ट्रास्टिंग पेयर को नेट वगैरह सीईटी वगैरह में पूछा जाता है, लास्ट ईयर इसको एग्ज़ाम में पूछा था और आसान भी बहुत है। चलिए चलो ये एक क्वेश्चन हुआ, उसके बाद यहाँ आते हैं रीज़न ऑफ मेंडल सक्सेस, मेंडल की कामयाबी का सबब, इसको नोट डाउन कर लेना बेटा। मेंडल ने जो तजुर्बात किए थे उसमें वो क्यों कामयाब रहा, बहुत सारे उसके वजूहात हैं, कई वजूहात हैं, उसमें से कुछ चीज़ें आपके पास नोट में लिखे हैं, आप सिर्फ मैं उसको रिवाइज़ करूँगा। दो मास के लिए क्वेश्चन आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, तो कम से कम चार पॉइंट्स आपको याद चाहिए। तो कौन से इसके वजूहात है, क्या रीज़न से मेंडल के कि जो इस विरासती कानून को तवारुसी कानून को पेश करने में वो कामयाब रहा। सबसे पहली बात, मेंडल ने अपने तजुर्बे के लिए मटर के पौधे का इंतखाब किया और उस मटर के पौधे में सात जोड़ियां खुसियात की थी, ये सात जोड़ियां खुसियात की जिनमें से एक गालिब और एक मगलूफ जोड़ी थी, ये उसकी कामयाबी का पहला सबब है। अब ये क्यों है, आगे अपन जब पढ़ेंगे इसके कुछ कानून पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस को और उसकी कुछ एक्सेप्शनल्स यानी गैर मामूली कुछ जानदारों में इस तरह की खुशियात आपको दिखाई देगी कि वो उस लॉ में उस कानून में नहीं बैठती है, तो आपके समझ में आ जाएगी कि वाकई में अगर मेंडल ये मटर के पौधे की जगह अगर कोई पौधे को दूसरे को या किसी जानदार को अगर सिलेक्ट करता जिसमें वो कानून नहीं बैठता है तो वो उसमें कामयाब नहीं होता। तो पहली वजह आप डिटेल में नहीं लिखिए, उसको ये लिखिए कि उसने मटर के पौधे का इंतखाब किया और उसमें सात जोड़ियाँ मुतबादिल खसूसियात की थी, ये पहली बात। दूसरी बात, उसने जो भी तजुर्बात किए वो तमाम तजुर्बात जो है मतलब प्रैक्टिकली किया उसने, है ना, वो तजुर्बे को किया और उस तजुर्बे से हासिल होने वाले जो भी पौधे थे उन तमाम का हिस्सा भी तालमेल रखा कि भाई कितने बीज हमने बोए, कितने बीज जो है उससे पौधे हासिल हुए, उससे नए नस्ल के पौधे कितने तैयार हुए, कोई किस तरह के उसमें कैरेक्टर्स किस तरह की खुशियात पाई गई। जैसे अगर अपन यहाँ अपने दो खुशियात को देखे थे, जैसे ये अगर स्टेम का देखेंगे तो टॉल और डॉर्फ, इसमें अगर क्रॉस करते इख्तलात करते हैं तो ये पौधों में से नई नस्ल F1 नस्ल पहली नस्ल में जो पौधे हासिल हुए वो किस तरह के थे, टॉल थे डॉर्फ थे, फिर दूसरी नस्ल में कैसे थे, ये सारी चीज़ों का उसने हिसाबी तालमेल रिकॉर्ड रखा। इनडायरेक्टली क्या कहेंगे हम उसको, उसने उसका रिकॉर्ड रखा है। पहली बात ये थी कि मटर के पौधे का इंतखाब किया, दूसरी बात ये उसने तजुर्बात किए थेरोटिकल नहीं, ठीक है, तीसरी बात उसने वो अपने जो तजुर्बात थे उसके बुनियाद पर उसका हिसाबी तालमेल रखा। उसके बाद में उसने क्या किया कि जो अपने तजुर्बात हैं इन तजुर्बात से जो पौधे हासिल हुए एक्सपेरिमेंट करता रहा उससे जो पौधे हासिल हुए तो उससे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जनरेशन तक यानी कई नस्लों तक उसका मुशाहिदा करता रहा और उस मुशाहिदे की बुनियाद पर भी उस कानून को पेश किया। उसके बाद में नेक्स्ट उसका ये था कि उसने एक वक्त में एक ही खुशियात को लेकर तजुर्बात किए, फिर उसके बाद दूसरी, फिर उसके बाद इस तरह से, यानी ये सब चीज़ें थी कि जो जिसने मेंडल को क्या किया उसके इस तजुर्बात में कामयाब किया। उसके बाद में इसमें कुछ टर्म्स जो है अपने इस पूरे चैप्टर में वो इस्तिलाहत आती रहेगी, वो टर्म्स जो है तो उससे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इस टर्म्स में पहली टर्म्स है कैरेक्टर्स खसूसियात जिसे हम कहते हैं, आप लोग इसको मुख्तसर नोट डाउन कर लीजिए। देखिए दो टर्म्स एक साथ पढ़ा रहा हूँ, कैरेक्टर्स और ट्रेट्स दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेशन रखती है। कैरेक्टर यानी खसूसियात जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होगी या जो पौधे में जाहिर होगी दिखाई देगी वो खसूसियात, जैसे तने की लंबाई, पौधे की तने की लंबाई, हम ये नहीं कह रहे कि तना दराज कद है
या तना पश्त कद है, तने की लंबाई, ये जो है ये उसकी खुसूसियात हुई जो ज़ाहिर हो रही है, बराबर है। लेकिन क्योंकि हमने ये देखे कि एक पौधा जिसमें तना टॉल था, दूसरा पौधा जिसमें डॉर्फ था, ठीक है, तो इस खुसूसियात की मुतबादिल दो शक्लें हुई। तो जो खुसूसियात की मुतबादिल शक्लें हैं उनको ट्रेड्स कहते हैं। जानदारों में ज़ाहिर होने वाली जो खुसूसियात है वो कैरेक्टर्स है, यानी वो उसकी खुसूसियात कहलाएंगी। यानी जानदारों में जो चीज़ ज़ाहिर होती है उसे हम उसकी खुसूसियात कहेंगे, और उसकी जो मुतबादिल शक्लें होंगी उसको उसके क्या कहेंगे, ट्रेड्स कहेंगे। समझ में आ गया? दो चीज़ें, कैरेक्टर्स क्या कहेंगे, जानदारों में जो चीज़ें हमको दिखाई देती है वो उसकी खुसूसियात कहलाएगी, और खुसूसियात की जो मुतबादिल शक्लें होगी वो ट्रेड्स कहलाएगी। अभी मैंने आपको यहाँ 7 खुसूसियात कहला लिख कर बताया हूँ, उसे ट्रेड्स कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, फैक्टर। अभी जो खुसूसियात मुंतकिल होती है, मैंने अभी कहा आपको कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में खुसूसियात का मुंतकिल होना उसे अपने विरासत कहे, उसे इनहेरिटेंस कहे। और ये जो खुसूसियात मुंतकिल होती है तो कुछ तो ज़रिया होगा जिसके ज़रिए खुसूसियात मुंतकिल होगी। तो हमको ये याद रखना है कि जिसके, इसको उर्दू में अवामिल कहेंगे, खुसूसियात के मुंतकिली की इकाई, खुसूसियात के मुंतकिली की इकाई उसे फैक्टर कहा जा रहा है। वैसे एक्चुअल में अभी आज के दौर में हम उसे जीन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जीन कहते हैं। जीन और फैक्टर दोनों एक, याद रखना है। यानी खुसूसियात को मुंतकिल करने वाली इकाई, इसे भी जीन कहा जाता है, फैक्टर भी उसे कहते हैं। लेकिन क्योंकि मेंडल के जो तजुर्बात थे वो 19वीं सदी के थे, और जेनेटिक मटेरियल DNA का लास्ट पीरियड में आपने मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस उस चैप्टर में आपने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ा हूँ कि DNA का जो जेनेटिक मटेरियल है, इस बात को पता लगाने वाला जो पहला तजुर्बा किया गया था, ग्रिफिथ ने किया था उसको, वो 1928 में किया। यानी उसके बाद फिर वो तजुर्बात के बाद फिर DNA का पता चला, फिर DNA डबल हेलिक्स दो पट्टियों पर मुश्तमिल होता है, दोहरा होता है वगैरह सारी चीज़ें, और उसके ऊपर उसका छोटा पार्ट्स जो किसी एक मखसूस, यानी DNA की छोटा हिस्सा जो किसी मखसूस खुसूसियात को मुंतकिल करने के लिए ज़िम्मेदार है उसे हम जीन कहेंगे। यहाँ तक पहुँचे तो पहले जीन की तारीफ देखिए, फिर हम फैक्टर को कहते हैं। जीन किसे कहेंगे? DNA का एक छोटा सालमा, DNA का छोटा हिस्सा जो किसी एक मखसूस खुसूसियात, मखसूस पर्टिकुलर खुसूसियात को मुंतकिल करने के लिए ज़िम्मेदार है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली खुसूसियात को मुंतकिल करने वाली इकाई क्या कहला रही? फिर जीन कहला रही, वो सिंपल चीज़ है। वैसा ही फैक्टर है, यानी उस वक्त मेंडल ने फैक्टर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फिर जॉनसन नाम के साइंसदान ने ये जीन लफ्ज़ इस्तेमाल किया 1907, ठीक है, मुख्तलिफ बुक्स में अलग है, कुछ जगह 1901 है। तो 1907 में इस जॉनसन ने जो है तो फैक्टर के बदले जीन लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और तब से हम इसको जीन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ तक पहुँचे कि जीन मतलब DNA की छोटी इकाई, एक छोटा सालमा जो एक मखसूस खुसूसियात को मुंतकिल करता है, वही चीज़ यहाँ थी। खुसूसियात को मुंतकिल करने वाली इकाई मतलब फैक्टर, यानी ये मेंडल ने कहा। तो मेंडल के मुताबिक खुसूसियात को मुंतकिल करने वाली इकाई जिसे हम फैक्टर कहते हैं, ये तारीफ में लिखेंगे। जीन के तारीफ में लिखेंगे कि DNA का छोटा सालमा जिसे हम क्या कह रहे हैं, उसे हम जीन कह रहे हैं, ये आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद चलिए, उसके बाद ये बहुत बार पूछे जाने वाली एक डेफिनेशन, इसकी तारीफ एक मास के लिए बहुत बार पूछा जाता है, अलील, या कुछ लोग इसको अलेल कहते हैं, आपको जो प्रोनाउंसिएशन मुनासिब लगा ये किए, या अलीलोमार्फ। ठीक है, अलील या अलीलोमार्फ किसे कहेंगे? अब देखिए, जब ये जीन के ज़रिए खुसूसियात मुंतकिल होगी तो हमको ये बात पता है कि जीन्स हमेशा जोड़ियों में होगी। जैसे यहाँ पर एक कोई भी एक, जैसे यहाँ हमने देखे थे कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ इसको मेंडल ने तो गैमेट्स कहा, गैमेट्स ने जवाजा, इसमें तो बहुत सारे क्रोमोसोम, बहुत सारे जीन होंगे, क्योंकि उस वक्त ये जेनेटिक्स इतना ज़्यादा बड़े पैमाने पर इसकी मालूमात नहीं थी, इसलिए उसने उसको वहाँ वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गैमेट्स। लेकिन यहाँ हम इसको जीन कहेंगे, ये एक टॉल यानी पौधे के कद से रिलेटेड, पौधे की लंबाई के रिलेटेड, ये टॉल वाली या ऊँचे कद वाली खुसूसियात को मुंतकिल करने के लिए ज़िम्मेदार है छोटे। लेकिन हर एक पौधे में ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, दोनों मिलकर खुसूसियात को मुंतकिल करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे की मुतबादिल शक्ल भी, यानी ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ये दोनों एक दूसरे की मुतबादिल शक्ल है। और यहाँ ये टॉल को जाहिर करता है, ये डॉर्फ को जाहिर करता है, तो इसीलिए एलील या एलीलोमार्फ की तारीफ जब लिखेंगे हम या उसको पढ़ेंगे तो हम ये कहेंगे
कि ये जीन की मुतबादिल शक्ल, क्या कहेंगे उसको, जीन की मुतबादिल शक्ल, उसे हम टॉल सॉरी उसे हम अलेल अलेल मार्फ कहेंगे। एग्जांपल के तौर पर कैपिटल टी स्मॉल टी, या खसूसियात को मुंतकिल करने वाली जो इकाई है, अब खसूसियात की मुंतकिल करने वाली इकाई कौन है, जीन है, उसके मुतबादिल शक्ल, दोनों में से कुछ भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ कैरेक्टर किसे कहते हैं, ट्रेड किसे कहते हैं, फैक्टर किसे कहते हैं, जीन किसे कहते हैं, अलेल किसे कहते हैं, अलेल या अलेल मार्फ, ये हमारे समझ में आ गया। उसके बाद चलिए डोमिनेंट, यहाँ अभी मैंने यहाँ लिखा था डोमिनेंट और रेसेसिव, इसको हम गालिब कहते हैं और रेसेसिव, दोनों एक साथ लिखता हूँ, इसको मगलूब कहते हैं। जब हम इसके कानून पढ़ेंगे, मोनोहाइब्रिड ट्राइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे, तो जब बहुत और अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। तो डोमिनेंट हम उससे कहेंगे, अब हमने देखिए कि यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी, लेकिन जब ये दोनों एक साथ हो गए, कैपिटल टी और स्मॉल टी किसी भी पौधे में, तो इसमें से कोई एक ही जाहिर होगा, दोनों नहीं होंगे। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ये कैपिटल टी क्योंकि इसको डोमिनेंट गालिब कहा जा रहा है, तो ये इसके ऊपर गालिब होगा, ये रहेगा प्रेजेंट, ये लेकिन अपने वजूद को नहीं बताएगा, ये सॉरी इसका वजूद रहेगा लेकिन ये जाहिर नहीं होगा। तो जो जाहिर होने वाला अलेल है, या ऐसा अलेल, ये अलेल हम इससे कह रहे हैं, है ना, ऐसा अलेल जो जाहिर होता है या किसी खुसियात को जाहिर करता है, ठीक है, इसे हम डोमिनेंट कहेंगे। और ऐसा अलेल जो अपने आप को जाहिर नहीं करता है, उसे हम रेसेसिव कहेंगे, यानी मगलूब हम उसे कहेंगे जो अपने आप को जाहिर नहीं करता है, इस तरह का अलेल जो अपने आप को जाहिर नहीं करता। एग्जांपल के तौर पर या कैपिटल टी स्मॉल टी में स्मॉल टी ये होगा रेसेसिव, और ऐसा अलेल जो अपने आप को जाहिर करता है ये कैपिटल टी स्मॉल टी में, ये कैपिटल टी हो गया डोमिनेंट। समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ जितने भी पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर ये दो अलेल या ये दो जीन किसी पौधे में पाए जाएंगे, तो वो सभी पौधे टॉल हो गए, डॉर्फ वाला कैरेक्टर वहाँ जाहिर नहीं होगा, यानी जो अलेल अपने आप को जाहिर करेगा उससे हम डोमिनेंट कहेंगे, जो जाहिर नहीं करेगा उससे हम रेसेसिव कहेंगे, इसीलिए इसको गालिब और मगलूब कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद फिनोटाइप और जीनोटाइप, किसे कहते हैं, याद रखिए, फिनोटाइप उसे कहेंगे कि जो खसूसियात F1 या किसी भी नस्ल में, जो खसूसियात इनडायरेक्टली डायरेक्टली कह सकते हैं हम कि किसी क्रॉस के बाद जो खसूसियात जाहिर होती है, यानी जानदारों में जैसे वालिदैन है, वालिदैन से जब बच्चों में खसूसियात मुंतकिल होगी, तो वो जो खसूसियात जाहिर हो रही है, जाहिर होने वाली खसूसियात या इनडायरेक्टली जानदारों का जो ज़ाहरी जो खसूसियात जो ज़ाहरी तौर पर दिखाई देती है, उससे हम उसका फिनोटाइप कहेंगे, यानी जानदारों में जाहिर होने वाली खसूसियात ऐसा कर सकते हैं, उसको हम फिनोटाइप कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये जो टॉल है, अब ये टॉल जो पौधे है, ये कैपिटल टी वाला भी टॉल कहलाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला भी टॉल कहलाएगा। अब दो पौधों में जाहिरी तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा कैपिटल टी वाला है, कौन सा स्मॉल टी वाला है, लेकिन जाहिरी तौर पर दोनों को देखेंगे तो दोनों का कद एक जैसा दिखाई देगा, तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों भी पौधे टॉल है। तो यहाँ टॉल ये खसूसियात दोनों की जाहिर हो रही, तो इसको जाहिरी कहा जाता है। लेकिन जीनोटाइप उसे कहेंगे कि इनका जेनेटिक मेकअप या नस्लियाती तौर पर उनकी खसूसियात, नस्लियाती खसूसियात हम कह सकते हैं इसको, या इसका जेनेटिक मेकअप कह सकते हैं, यानी जानदारों का जेनेटिक मेकअप जीनोटाइप कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, बल्कि दोनों टॉल है लेकिन दोनों नस्लियाती तौर पर डिफ्रेंशिएट है, ये एक प्योर पौधा है, खालिस है, क्योंकि इसमें दोनों गैमेट्स एक जैसे हैं या दोनों जीन एक जैसे हैं। और यहाँ जो है ये कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों अलग अलग है, इसलिए ये हाइब्रिड है, ये प्योर होगा ये खालिस होगा, और ये हाइब्रिड होगा ये मखलूत होगा, यानी दोनों में ये फ़र्क है, इसीलिए जीनियाटी तौर पर या जेनोटिपिकली ये दोनों डिफरेंट हो गए और फिनोटिपिकली दोनों एक जैसे हो, यानी फिनोटिपिक उसे कहेंगे जो जाहिर होने वाली खसूसियात है, और जीनोटिपिक उसे कहेंगे जिनमें उनके जीनोटाइप्स को देखा जाता है, उनके नस्लियात को देखा जाता है, उनके गैमेट्स को देखा जाता है। चलिए ये याद रखिए, ये बार बार आते रहेंगे, इसलिए पहले सबसे पहले हम इसको ले रहे हैं। फिर इसी पर से फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशो, ये दो तारीफें आएगी। तो फिनोटाइपिक रेशो यानी तनासुब हम उसे कहेंगे जो ज़ाहरी खसूसियात को देखकर किया जाता है, और जीनोटाइपिक रेशो हम उसे कहते हैं जिसको जेनेटिक मेकअप को या उसमें पाए जाने वाले जेनेटिक या जीन्स के ऊपर से उसकी तनासुब को निकाला जाता है। ये दो डेफिनेशन भी याद रखिए, ये साथ ही साथ इसके नाम और अपने तौर पर इसको लिखने की कोशिश किए, आपको ऑलरेडी नोट्स में मैंने इसको लिखा कर दिया हूँ, ठीक, फिर भी और दोबारा इसकी PDF मैं इंशाल्लाह डालूँगा, उसको आप
दोबारा से थोड़े बहुत चेंजेस करके उसको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद चलिए हेटेरोजाइगस होमोजाइगस। अब यहाँ देखिए होमोजाइगस किसे कहते हैं, हेटेरोजाइगस किसे कहते हैं, ये आगे भी आएगा हेटेरोजाइगस होमोजाइगस क्रोमोसोम से रिलेटेड। यहाँ सिर्फ अपन होमोजाइगस हेटेरोजाइगस किसे कहेंगे, अभी मैंने ये पढ़ाया था आपको। जैसे ये कैपिटल टी स्मॉल टी जिसमें दोनों गैमेट्स एक जैसे हो या दोनों जीन एक जैसे हो उसको होमोलागस कहेंगे, लेकिन यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी बहुत आर डिफरेंट इसको हेटेरोजाइगस कहेंगे। यानी जिसमें दोनों गैमेट्स या दोनों जीन एक जैसे हो होमोजाइगस, जिसमें दोनों गैमेट्स या दोनों जीन्स डिफरेंशिएट हो उसे हम कहेंगे हेटेरोजाइगस कहेंगे। उसके बाद में चलिए F1 जनरेशन, इसमें मोनोहाइब्रिड डायब्रिड ये भी डेफिनेशन से, लेकिन उसको अपन डायरेक्ट इसके बाद कंटिन्यूस उसको पढ़ेंगे। F1 जनरेशन, F1 यानी फर्स्ट जनरेशन इसे कहा था। कोई भी क्रॉस हम करेंगे, जैसे एक पौधा कैपिटल टी कैपिटल लिया गया, एक स्मॉल टी लिया गया, इससे जो पौधे हासिल हो गए इसके गैमेट्स हो गए, यहाँ कैपिटल टी इसका गैमेट्स होगा स्मॉल टी, ठीक है, बाद में डिटेल इसको समझाने वाला हूँ मैं। इससे हासिल होना ये पहली नस्ल का पौधा, इसको F1 जनरेशन कहेंगे और ये रहेगा टॉल, ठीक है। तो ये जो पौधे हैं ये नस्ल के पौधे, यानी किसी भी क्रॉस के बाद ये जो क्रॉस है ये पेरेंट्स हुआ, तो इस पेरेंट्स के बाद जो है तो ये जो नस्ल के पौधे हासिल हुए पहली नस्ल के पौधे, इस पहली नस्ल के पौधों को हमने ये कहा F1 जनरेशन। क्या कहा? F1 जनरेशन, यानी इनडायरेक्टली डायरेक्टली किसी भी क्रॉस के बाद हासिल होने वाले पहले नस्ल के जानदार उसे F1 कहेंगे। अब अगर इनको हम आपस में क्रॉस करते हैं, यानी F1 में हासिल होने वाले पौधे जो रहेंगे, जैसे यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी इसको क्रॉस किए कैपिटल टी स्मॉल टी और इससे जो पौधे हासिल होंगे, तो हमको ये कहना है कि F1 नस्ल के बाद यानी F2 जनरेशन, यहाँ F1 जनरेशन वैसा आएगा F2 जनरेशन, यानी किसी भी पेरेंट ये पेरेंट हो गए फिर इससे जो अगर ये हासिल हो गए तो ये दूसरी नस्ल हो जाएंगी। तो पहली नस्ल में हासिल होने वाले पौधों को F1 जनरेशन, दूसरी नस्ल में हासिल होने वाले पौधों को F2 जनरेशन कहा जाएगा। याद रखिए ये भी बहुत बार बार आता रहेगा F1 जनरेशन F2 जनरेशन। उसके बाद में बाकी जो है जिसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, डाइहाइब्रिड क्रॉस है, बैक क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस है, पुनेट चेकर बोर्ड है, ये कुछ और डेफिनेशन कुछ और इस्तेलाहत इसके अंदर है इस्तेमाल हुई है इस चैप्टर के अंदर, वो उसी जगह पढ़ाएंगे क्योंकि इसके बाद उसको डिटेल में अपने को पढ़ाना है इंशाल्लाह ताला। तो इस लेक्चर में जहाँ तक ही हम इसको पढ़ते हैं, अगले लेक्चर में इसके बाद का पार्ट इंशाल्लाह ताला मोनोहाइब्रिड क्रॉस मोनोहाइब्रिड रेशो और उस पर रिलेटेड उससे डिपेंड जो है तो दो लॉज, एक लॉ ऑफ डोमिनेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को पढ़ेंगे, और हो सके तो डाइहाइब्रिड क्रॉस उस पर रिलेटेड दो लॉज एक लॉ जिसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए अल्लाह हाफिज़।